दोस्तों आपने सांडा के तेल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सोचा कि सांडा का तेल ये बनता कैसे है। ये कोई पौधा नहीं है सांडे का, ना ही कोई ये पेड़ है सांडा का, ये सांडा का एक जीव है। ये आप सामने देख रहे हो ना, ये जीव है। नीचे ना निकल जाए भाई, सांडा का क्षेत्र है ये लिखा हुआ है। सावधान, सांडा आवासीय क्षेत्र, कृपया धीरे चले। ये है सांडा वो जिसका तेल आप लगाते हो, तो ये वो जीव है इससे वो सांडा बनता है। और ऊपर आप देखो लिखा हुआ है सांडा आवासीय क्षेत्र। ये होता कैसे है, कहाँ होता है, उसके बारे में बताएंगे। पहले आप इसको देख लो, ये है वो सांडा जिससे तेल निकाला जाता है, इससे निकाला जाता है तेल। उस तेल की क्या खासियत है और कैसे निकलता है वो बताएंगे आपको। सनी भाई, ये सांडा होता कहाँ नीचे? यहाँ ये बस यहीं पे जैसे बिल होते हैं उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, जमीन में, जमीन के अंदर, जमीन में छोटे छोटे बिल होते हैं, जो चूहिया के बिल होते हैं ना, चूहिया के। हाँ वैसे ही, चूहे जैसे। तो कहीं भी दिख जाएगा सांडा। अभी अपनी गाड़ी के आगे भी आया, गाड़ी लेकिन वो गायब हो जाते हैं, उसका समझ में भी नहीं आता कहाँ आता है, देखते ही गायब हो जाएगा। और उनकी खास बात ये है कि इनकी पूंछ के अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है तो उसके क्या ऑयल निकलता है, तो जो ऑयल रिसीव होता है उससे क्या सेक्सुअल पावर जो है वो लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ लोगों को ये डर भी रहता है कि सांडा जो है इससे मतलब हार्मफुल होता है, इसके अंदर जहर होता है। दिख जाए कहीं को? हाँ दिखेंगे तो अब दिखा देंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना पूरा सांडा है इनके, मतलब एक तरह से पैदावार हो रही है, पता बिल से निकलेगा, ऐसा लंबा था होता है वो जो हम ना? लोगों और ने जैसी फोटो में दिखाया और था। उसी उसी की पूंछ से निकलता है तेल, पूंछ से। हाँ पूंछ से निकलता है, एक हड्डी होती है पूंछ के और दरमियान, तो उससे क्या उस हड्डी से रिसीव होता है वो जो ऑयल होता है वो। एंड ये भी बोलते हैं कि विष खोपड़ा में भी जहर होता है, इस कुछ कुछ लोग बोलते हैं इसको विष खोपड़ा है, जैसे गोह बोल दो, लेकिन लोग डरते हैं कि इसके अंदर पॉइजन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिया में ऐसे कोई भी लिजर्ट नहीं पाई जाती जिसके अंदर मतलब पॉइजन होता है, तो ये लोगों में बहुत सारी मतलब वो मिथ है कि इस इन सब के अंदर जहर होता है, और बेवजह ये लोग जो है मारे भी जाते हैं, काफ़ी सारे सांडा, काफ़ी सारे गो, विष खोपड़ा, इनको मार देते हैं, तो पॉइजन वगैरह इनमें किसी में भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई उधर की तरफ चल रहे हैं, उधर कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, अगर नहीं तो दिखेगा। दोस्तों आपको हमने एक ऐसी यूनिक जानकारी दी, बहुत कम लोगों को पता होगी, हमें भी नहीं पता था अभी तक, ये बहुत कम लोगों को पता पूरा है जो कि एरिया है वो सांडा का ही है। इधर से दिखा दो मनीष भाई, यहाँ से पूरा क्षेत्र में सांडा हो रहा है, मतलब सांडा की खेती कह सकते हो आप, सांडा की खेती हो रही है। जब देखो ये बिल है, ये रहा बिल उसका, ये है बिल, ये बिल, हाँ इसी में है वो, इस तरह का बिल होता है, छोटा छोटे बिल, इसके अंदर इसके अंदर होगा भी, निकल के भी बिल्कुल है। अभी ये देखो पड़ा है ना, ये यहाँ से गया हुआ है, ये देखो पूंछ का निशान इधर से है ना, तो यहाँ पे जरूर डैम शोर इसमें निकलेगा, ये छोटे छोटे बिल होते हैं। अभी आएगा तो दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे जैसे फोटो में, बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे फोटो में है, एक तरह से सांडा ही खेती हो रही है। बाकी हम लोग पिक डाल देंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। उसकी फोटो देख लो आप, ये फोटो इस तरह की है, और आपको ये डिटेल बहुत कम लोगों को पता होगा कि भाई इस तरह से होता था सांडा। हम तो सोचते पहले कोई कोई खेती पौधा होता होगा इसका, लेकिन ये एक जीव से बनता है सांडा का तेल। काफ़ी गर्म होता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।